इंडियन आर्मी के बेस कैंप का नजारा। चारों तरफ भारतीय सिपाही अपने हाथों में AK-47 बंदूक लिए तैनात खड़े हुए थे। सामने 3 सिपाही चलकर बेस कैंप की तरफ आ रहे थे। इन सिपाहियों में करमवीर और विभव शामिल हैं और आगे कोर कमांडर सुजान सिंह हैं। बेस कैंप में आकर सारे सिपाहियों को सुजान सिंह ने बुलाया और अगले ऑपरेशन की प्लानिंग करने लगे। हमारे जासूस से हमें यह खबर मिली है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान 2 दिन बाद बॉर्डर के रास्ते बहुत ज्यादा असला और बारूद हमारे देश में पहुंचाने वाला है, ताकि यहां आतंकवाद की जड़ों को मजबूत कर सके। उनकी इस साजिश को नाकाम करने की जिम्मेदारी हमारी बटालियन को दी गई है और हमें उसकी नापाक साजिश को मिट्टी में मिला देना है। आप चिंता मत कीजिए सर, उनकी कोई भी साजिश हमारे रहते कभी सफल नहीं हो सकती। हम अपनी जान पर खेलकर उनकी इस नापाक साजिश को खत्म कर देंगे। हाँ करमवीर, मुझे अपनी बटालियन के जवानों पर पूरा भरोसा है और इस ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ। ऑपरेशन की प्लानिंग तैयार होने के बाद बेस कैंप के सारे सिपाही अपने अपने काम में जुट गए। 2 दिन बाद बॉर्डर का नजारा। आधी रात का समय होता है। दूर दूर तक केवल कटीली तारों से बंधे बॉर्डर ही दिखाई दे रहे थे। सारे सिपाही अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े थे। मेरे देश के वीर जवानों, हर सिपाही का सपना होता है कि वो अपने देश के लिए कुछ करे और मातृभूमि ने आज हमें वो मौका दिया है। और अगर आज हमारे प्राण भी मातृभूमि पर निछावर हो गए तो हम हंसते हंसते ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। करमवीर की ये सारी बातें सुनकर सारे भारतीय सिपाही जोश में भर जाते हैं। ऑपरेशन को करमवीर लीड कर रहा था और उसकी हेल्प के लिए विभव को जिम्मेदारी सौंपी दी गई थी। थोड़ी देर बाद बॉर्डर की दूसरी तरफ से कुछ ट्रक्स आते हुए दिखाई दिए। ये पाकिस्तानी ट्रक थे। अपनी कमर कस लो सिपाहियों, दुश्मन हमारे सामने है। दोनों ओर की सेना की तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। भारतीय सिपाही पूरी ताकत के साथ पाकिस्तानी सिपाहियों का सामना करते हैं, लेकिन भारतीय सेना ने जो प्लान बनाया था उस प्लान का जवाब पाकिस्तानी सेना के पास था, क्योंकि वो बहुत मजबूत काउंटर अटैक कर रहे थे। करमवीर समझ गया था कि किसी ने उनके प्लान को लीक कर दिया है। एक एक करके भारतीय बटालियन के काफी सारे सिपाही शहीद हो गए। अब सिर्फ करमवीर और विभव बचे हुए थे। सामने वाली सेना के काफी सिपाही मारे जा चुके थे। विभव, मैं सामने जाकर उनकी ट्रकों पर अटैक करता हूँ, तुम मुझे कवर फायर दोगे। हो सकता है यदि हमने सही निशाना लगाया तो उनके ट्रकों में रखे गोला बारूद से ब्लास्ट हो जाए और वो खत्म हो जाए। ओके सर। करमवीर अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ा और उसने दुश्मन के 3 सिपाहियों को मार दिया, लेकिन तभी अचानक से करमवीर के पीठ पर एक गोली आकर लगी। उसके बाद 2 और गोली पीठ में घुसकर उसके सीने को चीरती हुई निकल गई। करमवीर के हाथ से उसकी बंदूक गिर गई और वो खुद वहीं गिर गया। करमवीर पर गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि विभव ने चलाई थी। तो तू था वो गद्दार जिसने हमारे सारे प्लान दुश्मन को बता दिए थे। कितने पैसों में तूने अपनी भारत माता का सौदा कर दिया गद्दार। हाँ मैं ही हूँ गद्दार। और सर, हम यहाँ देश के लिए गोलियां खाते हैं और हमारे देश हमारे लिए क्या करता है? मरने पर हमारे घर वालों को एक मेडल और बस कुछ रुपए, और जब जीते जी उससे ज्यादा रुपए कमाने का मौका मिल रहा है तो इसमें क्या हर्ज है? कमीने, देशभक्त की कीमत तुझ जैसा गद्दार कभी नहीं पहचान सकता। तू तो पैसों के लिए अपनी माँ का भी सौदा कर देगा। इतना कहकर करमवीर ने अपने प्राण छोड़ दिए। विभव ने दुश्मनों के लिए बॉर्डर खोल दिया और वो अपने ट्रक लेकर अंदर आ गए। विभव ने करमवीर की लाश को वहीं बॉर्डर पर एक कुएं में डाल दिया। बड़ा देशभक्त बनता था, क्या मिला? आखिर चली गई ना जान। विभव ने इंडियन आर्मी को यह इन्फॉर्मेशन दी कि करमवीर ने गद्दारी की है और वो दुश्मनों के ट्रक को देश के अंदर करके फरार हो चुका है। विभव को बॉर्डर में होने वाले सारे ऑपरेशन का हेड बना दिया गया। इसका फायदा उठाकर उसने कई बार पाकिस्तान के ट्रकों को देश के अंदर आसानी से घुस जाने दिया। करमवीर एक सच्चा देशभक्त था। मरने के बाद उसकी आत्मा उस कुएं में बस गई और जब कभी भी उस कुएं के पास कोई भी गद्दार सिपाही आकर पानी पीता तो वहीं तड़प तड़प कर मर जाता। विभव के कई साथी कुएं का पानी पीने के कारण मर चुके थे। सिपाहियों की इस तरह मौत से आर्मी काफी चिंतित थी। आखिर हमारे सिपाही मर क्यों रहे हैं? मुझे लगता है कि इसमें जरूर कुछ हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान का हाथ है। उसने जरूर बॉर्डर के उस कुएं में कोई जहरीली दवाई मिलाई है।
हमें उस कुएं को अच्छी तरह से चेक करना होगा। सुजान सिंह की बात सुनकर विभव डर गया, क्योंकि अगर उस कुएं को चेक किया जाता तो उसमें करमवीर की लाश मिल जाती और विभव का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बात है। उस कुएं का पानी काफी साल पुराना है, इसलिए हो सकता है कि सड़े हुए पानी को पीने की वजह से हमारे सिपाहियों की मौत हो गई हो। जो भी हो विभव, हम अपने सिपाहियों के जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। कोर कमांडर के सामने विभव की एक भी ना चली और सुजान सिंह अपनी पूरी बटालियन के साथ उस कुएं को चेक करने के लिए पहुंचे। जब कुएं को अच्छी तरह से चेक किया गया तो उसमें करमवीर की सड़ी हुई लाश मिली और खुद करमवीर की आत्मा वहां प्रकट हो गई। करमवीर की आत्मा ने सारी सच्चाई कोर कमांडर सुजान सिंह को बता दी और विभव का पर्दाफाश हो गया। सिपाहियों ने विभव को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट मार्शल करके देश के साथ गद्दारी करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। करमवीर को उसकी बहादुरी और जज्बे के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया और बॉर्डर के उसी कुएं के पास करमवीर की मूर्ति बनाई गई। उस दिन के बाद आज तक किसी भी दुश्मन सिपाही ने उस बॉर्डर में घुसने की हिम्मत नहीं की। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर घनी रात में बर्फ के पहाड़ों के बीच एक दूरबीन से चाइना के एक आदमी में भारत के एक कस्बे पर नजर डाले, जहां से इंडियन आर्मी की एक ट्रक जा रही थी जिसमें कुछ कीमती हथियार रखे हुए थे। इस बात की खबर चीनी घुसपैठियों ने चीनी सरकार को दे दी। उन्होंने उसे कैसे भी लूटने का एक प्लान बनाया और भारत पर ज्यादा संख्या में हमला बोल दिया। दिख गई मुझे वो गाड़ी, वो ट्रक जिसमें कीमती हथियार रखे हैं, जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। ये हथियार हमारे पास कैसे भी होने चाहिए। मेरे सेना के लोगों, जाओ और ट्रक को लूट लो। मुझे वो ट्रक कैसे भी चाहिए, तो वो ट्रक का सामान, वो सारे हथियार मेरे पास लाओ। या तो वो काम पूरा करो और ट्रक लेकर आओ। चाइना सेना के लोगों ने बहुत संख्या में भारत पर अचानक से हमला बोल दिया और मिसाइल से उस ट्रक के आगे खड्डा खोद दिया ताकि वह ट्रक आगे ना बढ़ सके, और मजबूरन ड्राइवर को ट्रक रोकना पड़ा। उस ट्रक का ड्राइवर था सूर्या सेन। सूर्या सेन गाड़ी रोकता है और अपने साथी राजू राय को इंडियन आर्मी के ऑफिस फोन लगाने को कहता है और बोलता है, जल्दी से बैकअप टीम भेजिए सर, वरना चीनी सेना के लोग हमें मारकर ट्रक के सारे कीमती हथियार लूट लेंगे। राजू, चाइना वालों ने हम पर धोखे से हमला कर दिया है। जल्दी से हमारे सरकार को कॉल लगाओ और बोलो कि बैकअप टीम भेजे, वरना कुछ ही पलों में हम मर जाएंगे और हमारे देश की कीमती हथियार वो अपने देश पर लेकर चले जाएंगे। यस सर, मैंने अभी अपने ऑफिस में कॉल करके बता दिया है कि जल्दी से मदद भेजी जाए, वरना चाइना के सेना हमारे कीमती हथियारों को लूट लेंगे और हमें मार देंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और हेलीकॉप्टर से कुछ सिपाही उस ट्रक के पास आ जाते हैं और ट्रक को हेलीकॉप्टर से बांधकर हवा में उड़ाकर वहां से जाने लगते हैं और इंडिया का बॉर्डर पार करके अपने चाइना में लेकर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद सबसे पहले उन दोनों ड्राइवरों को उतारते हैं और राजू राय को अलग ले जाते हैं और सूर्य सेन को अलग। यह देख सूर्य सेन को बहुत हैरानी होती है। उसे पता चल जाता है कि राजू घुसपैठिया है और उसी ने ट्रक की खबर चाइना को दी है और उसने अपने भारतीय सेना के लोगों के उस हमले के बारे में कुछ नहीं बताया है। यह जानकर उसे बहुत हैरानी होती है। राजू राय ने कुछ चंद पैसों के लिए अपना ईमान और देश का कीमती हथियार गद्दारों को बेच डाला। गद्दार धोखेबाज, मैं सोच भी नहीं सकता कि तू ऐसा करेगा, लेकिन जानता नहीं मैं कौन हूं। तुझे क्या लगता है ऊपर वाला ही नहीं देखता है? ऊपर वाले महादेव, अगर मेरी देशभक्ति तुम्हें हल्की सी भी महसूस हुई हो तो प्रभु न्याय करो। अरे क्या तुम भी इस थोड़े से ट्रक के लिए प्रभु को याद करने में लग गए हो? अरे अपनी जान की भीख मांगो, शायद तुम्हारी जान बच जाए, वरना तुम तो अभी मारे जाओगे बेटा। थू है तुझ पर कमीने गद्दार, अगर हिम्मत है तो जल्द से जल्द मुझे मार, जैसी तेरी इच्छा। राजू और चाइना के सेना लोग सूर्या को गोली से छलनी कर देते हैं और उसे वहीं मार गिराते हैं और हंसने लगते हैं कि बेवकूफ दिलेर बन रहा था और फालतू का देशभक्त बनना चाह रहा था। अगर चाहता तो पैसे लेकर बच सकता था, लेकिन यह तो बेवकूफ निकला। तभी वहां अचानक अंधेरा छा जाता है, घने बादल घेर लेते हैं और बिजलियां चमकने लगती हैं और तूफान चलने लगता है।
तभी चाइना के सेना के एक लोग हवा में उड़ते नजर आते हैं और सारे पहाड़ के खाई में गिरने लगते हैं। एक एक करके सारे के सारे सेना के लोग मार दिए जाते हैं और बचते हैं राजू राय और जिनपिंग। तभी वहां सूर्या एक आत्मा के रूप में आता है और बोलता है कि महादेव की ताकत मुझे फिर से जिंदा कर चुकी है। मैं तुझे सजा नहीं दूंगा गद्दार, तुझे अपने देश ले जाकर सलाखों के पीछे छोड़ना होगा, इससे अपनी सरकार से सजा मिलेगी। ऐसा कहकर सूर्या राजू और जिनपिंग को बांध कर ट्रक में रख देता है और हेलीकॉप्टर से उस ट्रक को वापस भारत लाता है और राजू को बोलता है कि अब खबर कर अपने देश के सेना के लोगों को, और कुछ ही देर में वहां पर सेना के बाकी लोग आ जाते हैं। ये सब कैसे हो गया, ये सब कैसे हुआ, मुझे बताओ सूर्या, तुम इतनी गोली लगने के बाद तुम जिंदा कैसे हो, और ये हेलीकॉप्टर फिर अकेले उड़कर आ गए, और तुमने इस राजू को क्यों बांध रखा है, इसने क्या किया है? अब आपका ये सूर्या जीवित नहीं रहा सर, ये तो मृत लाश है जिसमें महादेव ने कुछ पलों के लिए जान और शक्ति दोनों डाल दी है ताकि मैं गद्दार से आपका मुलाकात करवा सकूं। मेरी अंतिम इच्छा यही थी, मैं अपने देश की चीज को अपने देश वापस पहुंचाऊं और इस गद्दार से आपकी मुलाकात करवा दूं ताकि आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दें। अब मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं सर, जय हिंद जय भारत। ये बात करने के बाद सूर्या वहां से गायब हो जाता है और भारतीय सेना के लोग राजू और जिनपिंग को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें जेल भेज देते हैं। अजय सिंह के कहने पर उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है और लोग वहां सूर्या की मूर्ति बनाते हैं ताकि वह उस बहादुर को हमेशा याद कर सकें और इसे सम्मान माला और फूल चढ़ाते हैं।